दोस्तों मेरा नाम योगेश और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नमस्ते भारत में। दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि हम अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन को कैसे लगाएंगे। दोस्तों जब आपकी कोई वीडियो लास्ट तक वॉच करता है तो कुछ इस तरह के बॉक्सेस जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं वो दिखाई देते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर आपकी वीडियोस लगी होती है और इन वीडियोस पे अगर कोई क्लिक करता है वो वीडियो प्ले हो जाती है, चलने लग जाती है। तो यानी कि अब यहाँ पर जो देखने वाला आपका जो वीडियो है वो इन वीडियो को भी वॉच करेगा। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपके YouTube चैनल को मिलेगा। यहाँ पर जो आपके व्यूज हैं वो तेजी से इंक्रीज होंगे, आपका जो वॉच टाइम है वो तेजी से बढ़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज है, सबसे बेनिफिट जो बात है वो आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइबर का बटन लगाया हुआ है वहां पर वो क्लिक करके आपके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपके यूट्यूब चैनल को मिलने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं, बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि हम अपनी वीडियो पे एंड स्क्रीन को कैसे लगाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अपने पीसी में लॉग इन हूँ, ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आपने योर चैनल पे क्लिक करना है, उसके बाद आप जाएंगे कस्टमाइज चैनल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। मैं अपने पीसी में आपको समझा रहा हूँ, अगर आप मोबाइल यूजर्स हैं तो फिर आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके इनेबल करना होगा। ये देखिए लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के नीचे है कॉन्टेंट, इस पे भी क्लिक कर लीजिए। ये देखिए जैसे क्लिक किया उसके बाद एक नया इंटरफेस पेज मेरे सामने ओपन होता है। यहाँ पर सारी जितनी भी मेरी वीडियोस हैं अपलोडेड वो शो होती हैं। यहाँ पर मैं डाउन करके आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मेरे व्यूज़ हैं। ये देखिए ये वायरल है और इसमें पेंसिल पर मैं क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा नीचे डाउन करूँगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए सब टाइटल है, एंड स्क्रीन है और कार्ड्स है। उसके ऊपर एंड स्क्रीन पे जो पेंसिल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एंड स्क्रीन के बहुत सारे जो एलिमेंट हैं हमारे सामने शो होंगे। ये देखिए आप इनमें से कोई से भी चूज कर सकते हैं। एक वीडियो एक सब्सक्राइबर का बटन यूज कर सकते हैं, उसके बाद एक प्लेलिस्ट एक सब्सक्राइबर को आप ले सकते हैं, या फिर आप दो वीडियोस यहाँ पर चूज कर सकते हैं। थोड़ा नीचे करूँगा, एक वीडियो एक प्लेलिस्ट को आप ले सकते हैं, या एक वीडियो एक प्लेलिस्ट और एक सब्सक्राइबर को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा ऊपर करके आप दिखाऊंगा, मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ऑप्शन ये लगता है दो वीडियोस यहां पर लेने का। और इसमें मैं एक सब्सक्राइबर का जो बटन है वो भी ऐड करके आपको दिखाऊंगा। यहां पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मोस्ट रिसेंट अपलोड यहाँ पर ऑटोमेटिक जो यूट्यूब है वो मुझे देगा। यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा तो बेस्ट फॉर व्यूवर, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो यूट्यूब मुझे प्रोवाइड करवाएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके मैं दिखाऊंगा चूज स्पेसिफिक वीडियोस, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो वीडियो होगी मैं चूज करूँगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने चूज कर लिया। सेकेंड बॉक्स पर भी क्लिक करता हूँ, चूज स्पेसिफिक वीडियोज पर दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं इस वीडियोज पर क्लिक करके इसको ले लेता हूँ, ये देखिए मैंने चूज कर लिया है। इसको थोड़ा एडजस्ट मैं यहाँ पर करूँगा, थोड़ा यहाँ पर मैं देखिए स्क्रॉल की मदद से एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए अब मेरा जो सेटिंग है इसका वो ठीक हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट साइड में एलिमेंट है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर भी क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मेरी स्क्रीन पर ऑटोमेटिक सब्सक्राइब का जो बटन है वो आ चुका है। इसको नीचे मैं थोड़ा जहां 10 सेकंड मेरे शेष होंगे या 15 सेकंड मैं यहां पर इसको सेट कर लेता हूं। आप भी वीडियो के एंड में इसको सेट कर लीजिएगा, तभी वीडियो आपकी एंड स्क्रीन शो होगी। ये देखिए इसको मैंने स्क्रॉल की मदद से थोड़ा सेट कर लीजिए। ये देखिए अब यहां पर मैं प्ले करके आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा यहाँ सेट कर लिया, इसको प्ले किया दोस्तों। उसके बाद जो व्यूवर्स हैं आपके जो एंड स्क्रीन पे क्लिक करके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और सीधा यहीं से ही आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसके बाद आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। सक्सेसफुली आपकी जो एंड स्क्रीन यहां पर लग चुकी है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा है कि अब आसानी से आप भी अपनी वीडियोस पे एंड स्क्रीन को लगाना सीख गए होंगे। इससे हमारी जो वीडियोस होती हैं तेजी से वायरल होती है। हम सबको एंड स्क्रीन का यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसके साथ बेल आइकन उसको प्रेस करके इनेबल कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल पाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।